वेलकम बैक टू लर्न विद परी। मैं हूँ परी। और फ्रेंड्स, मेरे ना बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि परी तुम व्हाट्स इन माय बैग वाला वीडियो करो ना। अच्छा, तो फिर मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। तो फिर आज हम लोग देखने वाले हैं कि मेरे बैग के अंदर क्या है। मैं जब ट्रैवलिंग करती हूँ मेरे बैग के अंदर क्या क्या होता है, आज आप वो ही जानोगे। तो फिर आप तो एक्साइटेड हो ना, मैं भी एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बोल देती हूँ। ओ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर ये रहा मेरा पिंक वाला कलर का बैग। ये ना एक किटी वाला है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क लाइट वैसे होता है। और यहाँ एक कीचेन है जो मेरे इसमें मैं लगाई हूँ। ये दीदी ने मुझे गिफ्ट किए थे, लेकिन इसका तीन था, दो तो आधी निकाल दिया। अब ये तीन को मैं संभाल कर रखी हूँ। और मैं जो एक ब्रेसलेट था उससे ये निकल गया, तो फिर इसको भी यहाँ चिपका मतलब लगा दी हूँ मैं कीचेन के हिसाब से। चलो देखते हैं अंदर क्या है। आगे वाले पॉकेट से स्टार्ट करते हैं। पहला है ये रहा कॉइन्स है इसमें। जब मैं उड़ीसा में थी ना, तब मैं बहुत सारे कॉइन्स जमा करती थी। और आजकल मैं इसको अपने बैग में ले रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग मंदिर जाते हैं उधर मैं ये अपने कॉइन्स में से कुछ दे देती हूँ। तो राम निकला रे, देव मारुस निकला। लेती हूँ मैं, कितने सारे कॉइन्स है मेरे पास। बलांगीर उड़ीसा जाऊंगी ना, तो फिर से लाऊंगी। हाँ, तो फिर ये वाला, ये जो एक पर्स पाउच है ना, ये मुझे एक बर्थडे पार्टी में मिला था रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से। ये मुझे बहुत क्यूट सा लगता है, इसको ऐसे पकड़ती हूँ मैं कभी कभी, मतलब बैग में ही रहता है ये मेरा। इसको यहाँ रख लेते हैं। और नेक्स्ट है ये क्या है? ये मैं हमेशा रखती हूँ, इसके साथ मैं कभी कभी खेलती हूँ। ये निंजा स्टार है। अभी ऐसे कर लूँगी कि सारी चीज़ें कट जाएगा। वैसे ये पेपर से बना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा मार्क्स। वैसे तो मैं हमेशा मार्क्स लेकर जाती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर मैं घर में भूल जाती हूँ या फिर गुम हो जाता है मेरा मार्क्स, ऐसे कभी कभी होता है ना सबके साथ। तो फिर उस टाइम में ये बहुत यूजफुल होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये एक एक्स्ट्रा मार्क्स है जो मेरे बैग में रहता है। ओके। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सैनिटाइजर। बाहर जाने से जब भी मैं कुछ चिप्स या फिर कुछ स्नैक्स जैसे खाती हूँ ना, उस टाइम अगर हाथ धोने के लिए पानी नहीं होता तो फिर मैं सैनिटाइजर ही यूज करती हूँ। हमारा हैंड सैनिटाइजर, हाथ गर्म हो जाएगा। कोई सेंसेस बात की। अब नेक्स्ट है हमारा लिप बाम। वैसे ये लिप बाम भी नहीं, मुझे लगता है ये लिप बाम है कि लिपस्टिक, अभी तक ये मेरा सॉल्व नहीं हो पाया है। और जियो तो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं होता, ये लिप्स को काला कर देता है, लेकिन फिर भी ये तो मेरा फेवरेट है। ये पूरा लिप्स को पिंक करता है, पानी डालो फिर भी नहीं जाता। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फिर भी मैं इसको लगाती हूँ। और नेक्स्ट है मेरा प्यारा सा लिप ग्लॉस। इसको भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है। लिप्स पूरा ग्लो करता है। ये मेरा लिप ग्लॉस है पिंक कलर का, पूरा ग्लॉसी सा। आगे का पॉकेट पूरा खाली हो गया है। अभी चलो नेक्स्ट पॉकेट में जाते हैं। ये बड़ा वाला चीज खोलते हैं। अब पहले निकलता है मेरा क्लिप्स और सारे वो। कभी कभी मैं जब ब्रेसलेट पहनती नहीं हूँ तो फिर इसके अंदर मेरा ब्रेसलेट भी है और इसमें कुछ क्लिप्स भी है और क्लच। इसको खोल कर आपको दिखाती हूँ। खुजा। 2 hours later. तो फिर इसमें मैं अपना एक ब्रेसलेट रखी हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं जब बाहर जाती हूँ ना अपना ब्रेसलेट पहनना ही भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इसको पहनती हूँ। इस ड्रेस के साथ भी अच्छा लग रहा है ये, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं पहनूँगी वरना रखना भूल जाऊँगी। हाँ, और इसमें मेरे क्लिप्स भी बहुत सारे हैं।
और क्लचर, क्लचर में इतना छोटा सा है, क्यूट लगता है मुझे ये। ये मैं अपने बाल में लगाती हूँ कभी कभी जब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता क्लिप्स जो मैं पहनती हूँ। और एक ब्लैक क्लिप कभी कभी चाहिए होता है ना। और हाँ, मुझे ये मेरा एक रिंग कहाँ गया, ये रहा, ये रिंग जो दीदी मुझे दिए थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं पहनती हूँ। फ्लावर्स आए क्या? तो फिर जैसे ये मेरा रेनबो वाला क्लिप, लेकिन ये एक रेनबो वाला क्लिप नहीं है, और है लेकिन एक ही रखी हूँ मैं, वरना पूरा फुल होकर उछल जाएगा। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं इसको अब। आपको लग रहा होगा कि अभी तक इतना ही बसा है इसमें, और भी है फ्रेंड्स, रुको रुको जरा, सबर करो। और हाँ, ये एक नैपकिन में रखती हूँ हमेशा इमरजेंसी के लिए। कभी कभी जब मेरा मुंह गंदा हो जाता है तो मैं इसको ऐसा करती हूँ। कभी कभी आदि भी मेरा ये यूज़ करता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सा होता है। ये मेरा फेवरेट वाला नैपकिन है, बहुत सॉफ्ट लगता है। तो क्या नाचो मैं? ब्लू कलर का है, ब्लू और पर्पल। अब नेक्स्ट आता है मेरा प्यारा सा चश्मा। ये चश्मा मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। बहुत सारे व्लॉग्स में और वीडियोस में आप देखे होंगे ये चश्मा, है ना, मेरा काला चश्मा। यो, 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये मेरा फेवरेट चश्मा है। वैसे आओ, मेरे पास तो ऑलरेडी एक चश्मा था जो हरिशंकर में घूम हो गया, लगता है वो बंदर ले लिया और अभी स्टाइल मार रहा होगा। क्या बोला तूने? लेकिन मम्मी ने और एक चश्मा ऑर्डर किए थे, अभी इसको मैं अपने पाउच में रख रही हूँ, चश्मा वाली जगह। इसको साइड में रख लेते हैं। अभी पूरा टेबल फुल हो जाएगा क्या? लगता तो है। अब नेक्स्ट आता है मेरा पानी बोतल, जिसमें इतना ही पानी बचा है, फिर भरूंगी मैं फुल। वैसे भी अभी थोड़ा प्यास भी लग रही है, फैन भी नहीं चल रहा। हाँ, ये कर लो पहले। और हाँ, ये मेरा ये हमेशा गिरता रहता है, खड़े रहे यहाँ, खड़े जो हो। हाँ, तो ये मेरा छोटा सा पानी बोतल है, जिसको मैं पहले अपने म्यूजिक क्लासेस में भी लेकर जाती थी अपने बैग में रखकर। इसमें काफ़ी भी इतना तो पानी ये होता नहीं है, लेकिन ये मेरे बैग में फिट हो जाता है और जितना पानी है उतना ही मेरे लिए काफ़ी है भाई। और वैसे ये एक दिन के लिए तो काफ़ी नहीं होता, जब ये ख़त्म हो जाता है तब मैं इसमें फिर भरती भी हूँ। चलो इसको साइड में रख लेते हैं, फिर भरूंगी भी तुमको, ठीक है? ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है मेरा कैप। ये कैप को अभी मैं पहनूंगी नहीं, वरना मेरा क्लिप ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ये एक मेरा कैप है, जिसको मैं यूजली जब पापा के साथ मैं सुबह को जाती हूँ ना ट्रैकिंग करने या फिर कहीं घूमने, तब ये पहनने का मुझे बहुत मन करता है। और कभी कभी मैं पहनती हूँ, मेरा फेवरेट स्टाइल ऐसे पहनने का होता है, और ऐसे भी पहनती हूँ मैं। इसको रख लेते हैं, सारा तो चिपक चिपक कर रहा है भाई। चलो अब नेक्स्ट क्या आता है, मेरा मॉइस्चराइजर। ये एक मॉइस्चराइजर है जो मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, जब मेरा स्किन कभी कभी ड्राई हो जाता है ना, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ, मेरा मॉइस्चराइजर। और है हमारा वाइप्स, जब मेरा मुंह थोड़ा ऑयली हो जाता है ना तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये वाइप्स निकालते हैं और मैं अपने फेस को थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ, तो फिर थोड़ा फ्रेश जैसा लगता है। और नेक्स्ट आता है कुछ स्नैक्स, जैसे ये मैं कुछ बिस्किट्स रखी हूँ, इसके अंदर चॉकलेट्स होता है, यम। तो फिर कभी कभी आदि भी खाता है मेरे साथ और मैं भी खाती हूँ, दो अभी के लिए रखी हूँ, फिर जब ख़त्म हो जाएगा तब और रखूँगी। तो फिर अभी तो मेरा बैग खाली हो गया है, देखिए ये,
और एक चीज रह गया क्या? और कुछ? ओ इन दोनों को तो निकाल, लेकिन इसको तो आगे पॉकेट में रखती हूँ ना, वो लगता है गलती से ये पीछे वाले पॉकेट में रख ली। और हाँ ये जो बिस्किट्स है ना उसके साथ मैं ये एक लट्टे चुकपाई भी रखती हूँ जो मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा एक छोटा सा लिप बाम है जिसको जब मैं लगाती हूँ ना मेरा जो लिप्स होता है वो पिंक और सॉफ्ट हो जाता है। ये रहे मेरा एक लिप बाम या फिर लिपस्टिक, इसके बारे में तो मुझे अभी तक भी नहीं पता। और ये मेरा लिप ग्लॉस और मेरा लिप बाम। फ्रेंड्स ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए ये सारे ना मेरे बैग में रहते ही हैं, इसलिए जब भी जाना हो कहीं रेडी हो गिर जाता है हमेशा। तो मेरे बैग में रहते क्यों नहीं हो, देखो इसको समझाओ। वैसे आप तो नहीं समझा पाओगे अब तो वहाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? जब भी कहीं जाना होता है ना कुछ नहीं बस रेडी हो जाओ, बैग पकड़ो और निकलो। अरे अरे लेकिन पानी बोतल चेक करना पड़ता है, अगर इतना होगा तो मैं गया। पानी बोतल को पूरा फुल करना पड़ता है न थक जाओगे, पानी खत्म क्या करूंगी। आप जब भी कहीं बाहर जाते हो ना तो फिर पानी लेना मत भूलना, ठीक है? क्योंकि पानी ना हमको हाइड्रेटर रखता है और हमारा स्किन भी ग्लो करता है उससे। और हाँ ज़्यादा ज़्यादा पानी पिया करो, ठीक है? अभी वैसे भी प्यास लग रही है बहुत। फ्रेंड्स आप मेरा बैग कलेक्शन वाला वीडियो देखना चाहोगे? अगर देखना चाहते हो ना तो कमेंट करके बताना, मैं बहुत जल्द उसका भी वीडियो बनाऊंगी। और आपको पता है ना कैसे कमेंट करते हैं? हाँ वो जो कम्युनिटी टैब होता है ना उसमें क्लिक करके आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? और फ्रेंड्स मेरे ना सारे वीडियोस में ना कमेंट ऑफ होता है। अरे 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 ये मत सोचो कि वो मैं करती हूँ, वो ना हमारे यूट्यूब कर लेते हैं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है बाबा। हाँ तो फिर इसलिए आप ना मुझे कम्युनिटी टैब में कमेंट करना, ओके? फ्रेंड्स अभी तो आपको पता चल गया ना कि मेरे बैग में क्या क्या रहता है ना? हाँ और वैसे आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।